और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा नेता अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से सजा होने के बाद ये सीट खाली हो गई है। 10 मई को स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन इस सीट पर सपा का कैंडिडेट कौन होगा, इसे लेकर रस्साकशी बढ़ गई है। आजम खान के खिलाफ ही बगावत देखने को मिल रही है। इसी बार विधानसभा उपचुनाव में आजम खान ने आसिम राजा को फिर से प्रत्याशी बनाया और समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। इसके बाद अब समाजवादी पार्टी में बगावत आजम खान के खिलाफ शुरू हो गई है। दरअसल आजम खान ने लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा उपचुनाव में अपनी पसंद के प्रत्याशी आसिम रजा को पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में खड़ा किया, लेकिन दोनों बार सपा चुनाव हार गई और इसीलिए पार्टी में मांग उठने लगी है कि स्वार विधानसभा सीट पर आजम खान की पसंद के प्रत्याशी को टिकट ना दिया जाए। तो मांग की है राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि जनता का आदमी लाए, जनता के बीच का आदमी लाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पसंद का आदमी लेकर आए। यदि फिर आजम खान साहब पे छोड़ा पार्टी का प्रत्याशी तो फिर पार्टी की हार होगी। माना जाता है कि रामपुर में आजम खान जिसे चाहते हैं वही प्रत्याशी घोषित होता है। ऐसे में आजम खान के सामने इस बार चुनौती अपने बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सीट को बचाने की है, क्योंकि आजम खान या अब्दुल्ला आजम खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आजम खान अपने परिवार के किसी को चुनावी मैदान में खड़ा करेंगे या एक बार फिर से वो आसिम राजा पर ही भरोसा जताएंगे। गाजीपुर में विधायक ने भ्रष्ट सिस्टम की पोल खोल दी है और मुख्यमंत्री के निर्देशों का मजाक उड़ाने वाले अधिकारियों पर सवाल भी खड़े कर दिए। सुभासपा विधायक ने न सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग के कारनामे की पोल खोल दी, क्योंकि 5 दिन पहले बनकर तैयार हुई सड़क की हालत तस्वीरें बयां कर रही हैं। जब विधायक ने मौके पर जाकर देखा तो 5 दिन पहले बनकर तैयार हुई 4.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क की गुणवत्ता ने उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ये रोड है कहां गया? ये रोड बनाए हो? मजाक बना रखे हो? ये रोड बना रखे हो? ठेकेदार तुम ही हो ना? तो इसी तरह काम होता है, यही काम होता है। ये काम इसका गाड़ी चलेगी इस पर। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग ने यूसुफपुर संपर्क मार्ग पर ये निर्माण करवाया था, जिसकी खराब गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत की, जिसके बाद विधायक ने मौके पर जाकर देखा तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े कर दिए। घटिया निर्माण को लेकर विधायक ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए और मामले की शिकायत करने की बात कही है। और भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है। अब इस मामले में आकांक्षा की मां ने सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। रोती बिलखती और छाती पीटती यह महिला भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां है, जिन्हें अपनी बेटी की मौत का सदमा लगा है। आकांक्षा की मौत को उनके परिजन सुसाइड मानने को तैयार नहीं, लिहाजा आकांक्षा दुबे की मां ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। मेरी ननिया को कोई केस नहीं, आरोपी अभी खुला घूम रहा है। किससे आप जांच चाहते हैं, कौन जांच करे इसमें? सीबीआई जांच चाहिए मुझे। आकांक्षा दुबे के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। माता पिता ने प्रोड्यूसर समर और संजय सिंह की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया। मैन वही है, उसका भाई, दोनों जन मिल के मारे उसको। क्या चाहते हैं, क्या होगा? हमको फैसला चाहिए और उसको फांसी की सजा, फांसी दिया जाएगा। दरअसल 26 मार्च को एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे को वाराणसी के एक होटल में मृत पाया गया था। इस पूरे मामले को खुदकुशी से जोड़कर देखा गया, लेकिन परिवार वाले लगातार हत्या का शक जता रहे हैं। आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आकांक्षा की मौत फंदे से लटक कर बताई गई है और शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान की पुष्टि नहीं की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।